हे गाइज व्हाट्सअप एवरीबडी, आई होप यू ऑल गुड। टुडे आई एक्सप्लेन ऑल अबाउट माई एम टी 15 वर्जन 2.2। मेरे दो फ्रेंड हैं, बताने वाले हैं पूरा एक्सपीरियंस। इन्होंने बाइक चला के देखिए 3-4 दिन हो गए। ये इरफान भाई भी हमारे कंटिन्यूसली राइड कर रहे हैं बाइक को, और अनिकेत भाई भी राइड कर रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो चलाते हूँ क्योंकि मेरी बाइक है जिसके आप जानते हैं ऑलरेडी। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं बाइक के पिकअप के बारे में, माइलेज, जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया तो वीडियो देखी तो माइलेज के बारे में बताने वाले हैं। बाकी इरफान भाई जो है ऑलरेडी अपाची RTR 160 को चलाते हैं, तो वो उसके हिसाब से इसका बताने वाले हैं कि इसमें उनको क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिले और क्या क्या इसमें कंफर्टेबल फील हुआ इरफान भाई को। बाकी अनिकेत भाई जो है बुलेट राइडर है, ऑलरेडी 360 है ना तुम्हारी, 350 350 cc की बुलेट को चलाते हैं। वो अपना पूरा एक्सपीरियंस MT15 वर्जन 2.0 के साथ शेयर करने वाले हैं कि इनको क्या क्या प्रॉफिट इस बाइक से देखने को मिला, क्या क्या कम्फर्ट देखने को मिला। तो अभी राइड करके एक बार आएंगे आपके सामने, फिर पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ 50 मीटर की राइड पर जा। भाई अनिकेत भाई फिलहाल में जाने वाले हैं थोड़ी सी राइड को लेकर, एक्सपीरियंस देने वाले हैं पूरा, बिल्कुल देख के आना। ऑफ रोडिंग का भी एक्सपीरियंस हम बताने वाले हैं, तो बाइक को रोक लो यहीं पर। तो ज़रा बताएंगे आपको क्या क्या फीचर्स, आपको क्या क्या एक्स्ट्रा देखने को मिला, क्या क्या कम्फर्ट देखने को मिला हमारी MT15 वर्जन 2.0 के अंदर, जो कि आप बुलेट चलाते हैं तो आप इसका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल पर। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा इसके सस्पेंशन के बारे में, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसे चलाने के बाद, और स्विंग आर्म जो महसूस किया मैंने इसे, जो स्विंग आर्म है पीछे वाले जी और आगे वाले जो इस बार चेंज हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मैं देखना चाहता हूँ, और इनके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। काफी अच्छा लगा मुझे इसका भी, मैंने यूज करके देखा, काफी कंफर्टेबल महसूस कर रहा था मैं भी इसको चलाते टाइम, क्योंकि आपने थोड़ा सा यहाँ पे पिट जगह है, मतलब पिट जगह मान लो, क्योंकि गड्ढे सड्ढे काफी यहाँ पर है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये ऊपर भी ले गए थे बाइक को और नीचे भी लेके आए, और ऑलरेडी इसलिए लेके गया था ताकि मैं इसका पिकअप चेक कर सकूं। मैंने इसका पिकअप चेक करा तो मुझे ये महसूस हुआ कि अपाची RTR 160 से बेटर है ये। और बात करना चाहूंगा इसके माइलेज के बारे में, तो माइलेज मैं सोच रहा था इसे चलाने से पहले कि लगभग ये 30 का माइलेज देगी, लेकिन जब मैंने इसे यूज किया और चलाया तो मुझे पता पड़ा ये 55 का एवरेज निकाल रही है कम से कम, और मुझे काफी अच्छा लगा इसके बारे में। 55 प्लस माइलेज है मैंने आपको दिखाया। तो गाइस क्योंकि इस बाइक का मैं बता दूं, लुक को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये 55 प्लस माइलेज दे देगी नॉर्मल राइड पर, क्योंकि बाइक को चलाने के हिसाब से ही उसका माइलेज आता है। बाकी आपको एक्सपीरियंस कर दिया अनिकेत भाई ने, बताना चाहूंगा मैं इसके कलर के बारे में, ताकि जो कि मुझे किसी और बाइक में देखने को नहीं मिला, इसे देखकर इसका कलर का मैं काफी बहुत बड़ा फैन हो गया। तो कलर के हिसाब से तो गाइज मैं आपको बता दूं कि बॉम है एकदम, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये पहला कलर है बाइक को लेकर, क्योंकि इस कलर का नाम ही थोड़ा सा अलग है। वैसे आपको इसका स्काई ब्लू और ग्रे कलर कह सकते हैं आप इंडियन लोगों के हिसाब से। बाकी इसका जो कलर का नाम है वो है सियान स्टॉर्म कलर, जो कि कंपनी की तरफ से है ये कलर। अभी हम देखने वाले हैं इरफान भाई का इंटरव्यू, जो कि अभी देने वाले हैं, थोड़ा सही देखने में। और पिकअप बता सकते हैं आप, अपाची का कैसा पिकअप है, और इसका अपाची से बहुत बेहतर है। अच्छा है अपाची से। हाँ तो थोड़ा प्राइस भी उस हिसाब से इसका इंक्रीज है। बाकी सस्पेंशन के बारे में, शॉकर के बारे में कैसा, मतलब आपको फील हुआ? शॉकर अपाची भी बगैर अपाची से बहुत अच्छे हैं चलाने में, वो तो इसके ऑलरेडी हैं ही। बाकी पीछे वाले सस्पेंशन आपको कैसे लगे? अच्छा आपको फील लगा? सीट में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पिकअप में बढ़िया, मतलब बिल्कुल क्लियर? क्लियर है एकदम। तो भाई ऑलरेडी अपाचे 160 RTR के पहले से ही लवर थे, बट इन्होंने आज हमारे MT15 को राइड किया है तो इनको ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील मिला है इनको, वो मिलना ऑब्वियसली मिलना ही चाहिए, क्योंकि अपाचे 160 RTR से थोड़ा सा महंगा भी आती है। बट मैं बता दूं आपको, इरफान भाई को थोड़ा बाइक के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही उन्हें, बट कोई बात नहीं, नॉर्मली आपको सारी चीज़ें उन्होंने बता दी है, शेयर कर दिए। तो गाइस यही वीडियो थी आज को लेकर, क्योंकि मैंने आपको पूरा दोनों लोगों का एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गाइज मिलते हैं आपसे अगली और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टेक केयर।